वेलकम बैक दोस्तों, विश यू वॉर्म वेलकम। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, या ऐसा भी कह सकते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे सारे जो लेक्चर्स हैं, कोशिश करेंगे और सिलेबस आपके उसे कंप्लीट करा सकें। बट हम कोशिश करने वाले हैं कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। सो आज हम इसी कड़ी में क्या करने वाले हैं, हम स्टार्ट करें डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। तो आपका ये कुछ यूनिवर्सिटी में ये हो सकता है पेपर जो फर्स्ट सेकेंड हो, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी को हमने टारगेट किया है वो है हमारा सरगुजा यूनिवर्सिटी, और ये पुराना नाम है, जो अभी का जो नाम है वो है संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वहाँ का जो सिलेबस है हम उसे कवर करेंगे। अब आप अपने सिलेबस अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी किस पेपर में है। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो पेपर होता है वो पेपर टू है, ठीक है। पहला पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड सेकेंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। तो आज से हम क्या करें, डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। अब वहाँ पे हम क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वहाँ पे जो आपको टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक क्या है कि हिस्ट्री एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद ऑरिजिन्स वगैरह दिया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी का हिस्ट्री एंड बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बाद आपका सेल थ्योरी भी आएगा, ठीक है। तो ना इसी कड़ी में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन है क्या, क्योंकि इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सो ना अभी क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो एक एक पॉइंट देखिएगा, बिल्कुल इजी वे में हम समझेंगे कि क्या है सारा मैटर। सो ना स्टार्ट करते हैं। एनिमल एम्ब्रियोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, याद रखिएगा क्या कहा जा रहा है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्थ। अब किसकी बर्थ, यही पता होनी चाहिए हमें, बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ एनिमल्स। सो क्या पता चला हमें, जो हमारा एम्ब्रियोलॉजी है, किसका, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। हम यहाँ पे एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो एनिमल्स एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, एक साइंस की ब्रांच है जो क्या करती है, जो डील करती है, डील कैसा, स्टडी का, कैसा स्टडी, जो हमें बताता है बर्थ एंड डेवलपमेंट, किसका, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो का बर्थ हो गया, उसका डेवलपमेंट हो गया, वो कैसे होता है एनिमल्स में, ठीक है। आप बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं अपने आप को या खुद को, कैसे, एज द ह्यूमन बीइंग, आप जब पैदा ही नहीं हुए थे तो आप किस फॉर्म में थे, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब तक अर्थ के ऊपर आए नहीं थे तब तक आप कैसे थे, 9 महीने आपने अपने मदर की स्टमक में रहा तो वहां पे आप किस फॉर्म में थे, एम्ब्रियो के फॉर्म में थे, पहले तो क्या थे, एम्ब्रियो, उसके बाद धीरे धीरे आपका क्या डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद आप दुनिया में आए, ये बेसिक चीज है। बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, उसी एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमने ये पढ़ा है ना कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कैसे होता है, मेल से स्पर्म का, फीमेल से ओवा का, जब दोनों फ्यूज करते हैं तो क्या बनते हैं, जब दोनों गैमेट्स फ्यूज करेंगे आपस में तो क्या बनेगा, तो हमारा जायगोट बनेगा। अब जायगोट बेसिकली क्या करता है, धीरे 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 ग्रोथ करते जाता है, और ग्रोथ करने के बाद हमारा एम्ब्रियो बनाता है, और इसी एम्ब्रियो से ह्यूमन बींग्स या अदर ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं एज द मैमल के केस में, ठीक है। सो यही चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो इसका नाम था डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, उसे बेसिकली एनिमल एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता था। तो हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हमें हिस्ट्री से ये टर्म उठाया क्या, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, एक साइंस सॉरी एक ब्रांच साइंस की जो डील करती है एम्ब्रियो के बर्थ का और उसके डेवलपमेंट का, किसमें, एनिमल्स के केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रायर टू द सेल थ्योरी फॉर्मुलेशन, मतलब सेल थ्योरी जब आई थी उससे पहले की बात भी हो रही है, तो प्रायर टू सेल थ्योरी जब आई थी उससे पहले क्या हुआ हमारा, द नॉलेज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी वाज बेस्ड ऑन द व्यू ऑफ एरिस्टोटल एंड गैल्टन, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब एम्ब्रियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए सेल थ्योरी के पहले के, अब सेल थ्योरी कब आया हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी में सारा डिटेल्स, सेल थ्योरी है क्या और उसके क्या क्या एक्सेप्शन है, अभी बस हम इतना जानेंगे कि जो सेल थ्योरी है
उसके फॉर्मुलेशन से पहले, स्टीम थ्योरी जब नहीं आया था उससे पहले क्या कहा जा रहा था, जो नॉलेज था किसका, एम्ब्रियोलॉजी का, वो बेस था एरिस्टोटल और गॉल्टन के और भी साइंटिस्ट हैं एटसेट्रा उनके व्यूज के आधार पे ये बेस था कि किस तरीके से डेवलपमेंटल बायोलॉजी या आप कह सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी वर्क करता है। ठीक है, पहला साइंटिस्ट का जो नाम आता है हमारा आगे, उनका नाम है एनैक्सिमेंडर। ठीक है, कब की बात है, 600 BC पहले की बात है। इन्होंने क्या बोला, द फर्स्ट, अच्छा ये है कौन ये भी याद रखिएगा, द फर्स्ट वेस्टर्न फिलोसोफर, कौन सी फिलोसोफर, वेस्टर्न फिलोसोफर। ठीक है, हु पोस्टुलेटेड, जिन्होंने ये बताया, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डेवलप फ्रॉम मॉइस्ट एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि पहले वो इंसान है कौन, ये इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये कहा कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप कैसे हुए हैं, वो डेवलप हुए हैं मॉइस्ट एलिमेंट से। अब हमें आज के डेट में पता है ना कि मॉइस्ट एलिमेंट का मतलब क्या है, किस तरीके से ओवा और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, क्या दोनों के अंदर मॉइस्चर नहीं है, ओवा के अंदर और स्पर्म के अंदर है ना, तो यही बात इन्होंने पहले कही। अच्छा, इन्होंने जब ये बात कही तो क्यों कही, उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि बिकॉज द सन वेपोराइज। कभी भी कुछ भी अगर सवाल आपके पास आता है, सपोज हम सांस क्यों लेते हैं, वाई वी आर ब्रीथिंग, Why we are respire? तो आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा आपको questions करने हैं। Question क्या, जैसे मैंने कहा कि the first western philosopher, question mark, ये हैं कौन, ये western philosopher थे कौन या हैं कौन पहले, या मैं आपसे पूछ दूँ why we are breathing, हम सांस क्यों लेते हैं, why we have lungs, हमारे पास lungs क्यों हैं, तो आपको ना questions करने हैं कि हमारे पास lungs क्यों हैं, हमारे पास और हम ब्रीथिंग क्यों करते हैं, हमारे पास किडनी क्यों है, हमारे पास हार्ट क्यों है, इससे होगा क्या, जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा उसका आंसर, और जब आंसर पता चलेगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि हमने ये देखा है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका बेस क्लियर नहीं होता है, और जब बेस क्लियर नहीं होता है और वो पूछने पर घबराते हैं कि मुझे ये नहीं पता मैं कैसे पूछूं, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, अगर आप पूछ लेंगे तो आपकी इंसल्ट नहीं होती है, बस बात यह है कि आप उस वक्त के लिए, उस घड़ी के लिए आपको लगेगी मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, बट लाइफ टाइम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप समझ जाएंगे। सो इस कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, एनीथिंग। सो नाउ आई होप आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने क्या स्टार्ट किया, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी जो है साइंस की एक ब्रांच है जो डील करती है एम्ब्रियो के बर्थ एंड उसकी डेवलपमेंट से एनिमल के केस। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दूसरा नाम आपको दिखाई देगा जो नाम है एरिस्टोटल का, और ये बात हो रही है 384 to 322 BC। ठीक है, और इन हिज बुक एंटाइटल द ट्रीटाइज ऑन एम्ब्रियोलॉजी, एरिस्टोटल ने कई सारी बुक्स लिखी, उनमें से जो बुक्स में उन्होंने कहा जो हमारे काम का है, वो बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है द ट्रीटाइज ऑन एम्ब्रियोलॉजी। उन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया कि ऑन्थोजेनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, उस बुक ने डिस्क्राइब किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज व्यू, अब उन्होंने अपना व्यू रखा। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ ना कि आपको इस मार्क को ध्यान से देखना है, देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने व्यूज को रखने हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे सिंपल एक मार्कर है प्लास्टिक का है, बट जो क्रिएटिविटी जिनके अंदर होगी वो क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल एक क्रोमोसोम के जैसे दिखाई दे रहा है, क्रोमोसोम के जैसे दिखाई दे रहा है, ये इसका सेंट्रोमियर है, ये इसका पार्ट हेड है, ये इसका टेल है। तो क्रिएटिविटी होती है, अपना एक व्यू पॉइंट होता है। तो वैसे ही यहाँ पे उनका व्यू पॉइंट क्या था कि एम्ब्रियो ऑफ ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। ठीक है, एम्ब्रियो ऑफ ह्यूमन बींग्स हैज डेवलप फ्रॉम द ब्लड ऑफ फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल आप कह सकते हैं। कितनी अजीब बात नहीं लग रही आपको सुन के, वो बात क्या है, उन्होंने क्या बोला कि एम्ब्रियो ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन का एम्ब्रियो है
वो डेवलप कहाँ से होता है? वो डेवलप होता है ब्लड ऑफ फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में जो होते हैं ह्यूमंस में, उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड होता है वही ब्लड क्या करता है, वही डेवलप कर देता है किसको, ह्यूमन बींग्स के एम्ब्रियो को, उन्होंने ऐसा कहा। बट नाउ आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, हमारे पास इतना नॉलेज आ चुका है कि हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। हमें आज ही पता है कि मेल की बॉडी से स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, फीमेल की बॉडी से हुआ का, जब दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जायगोट बनता है, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो उस समय ये बात क्लियर नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लड होता है उससे ही क्या होता है, ह्यूमन बींग्स का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। बट ऐसा नहीं है। ओके आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गैलेंटिन, गैलेंट ठीक है, 200 AD की बात है, बहुत 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 पुरानी। क्या कहा जा रहा है, ओवरी विच इज होमोलोगस टू टेस्टिस, ये याद रखिएगा, होमोलोगस टू टेस्टिस, इन स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, कैसा स्ट्रक्चर हमने बोला होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब क्या, अगर मैं हमें क्रोमोसोम ड्रॉ करूं, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसका होमोलोगस तैयार करते हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, हमारे होमोलोगस कहलाएंगे, ठीक है। तो वही चीज कहा जा रहा है होमोलोगस टू टेस्टिस, बट बात किसकी हो रही है, टेस्टिस की हो रही है। तो होमोलोगस टू टेस्टिस इन स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी में क्या होना चाहिए, होमोलोगस होना चाहिए टेस्टिस के बराबर, ठीक है। डिनोट बेसिक मैटरनल फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो ये बात कही जा रही है, क्या कही जा रही, बेसिक मैटरनल फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये भी क्या है, रॉन्ग, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है। उसके बाद इन 17th सेंचुरी विलियम हार्वे, अच्छा विलियम हार्वे का जब नाम आया है तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। वो सवाल ये है कि विलियम हार्वे ने क्या डिस्कवर किया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन 17th सेंचुरी विलियम हार्वे, बात कब की हो रही, 1651 की, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि द ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम एन एग, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, ठीक है। उन्होंने ये बोला एनिमल्स के केस में कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एनिमल के केस में है वो डेवलप कैसे होता है, एग से होता है। बट हमें पता है मैमल्स के केस में कभी ऐसा हो सकता है, कुछ एग्जांपल्स को छोड़ करके मैमल्स के केस में मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि वो एग से पैदा नहीं होते हैं, ठीक है। आगे अकॉर्डिंग टू मेलपिजी अनदर साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू मेलपिजी 1672, ये बात थी 1651 की, अब 72 की, लगभग 20 साल के बाद। इन ब्रीफ उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट में बताया कि एग इज इनहेरिटेड इन एडल्ट। क्या बोला, ये जो एग बना हुआ था, इन्होंने तो बोला एग से होता है, और ये जो एग बना हुआ था ये एग कहाँ चल जाता है, ये इनहेरिट हो जाता है, कैसा होता है कमेंट करके बताइए। उसके बाद हैम एंड लिवेन हॉक, अब लिवेन हॉक का जब नाम आया तो मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि ये जो एंटी वॉन लिवेन हॉक है, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, आपको बताना कमेंट करके। तो लिवेन हॉक, ये बात हो रही है 1677 की, फर्स्ट ऑब्जर्व स्पर्म ऑफ मैमल्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर कि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि जो मैमल्स में स्पर्म नजर आता है, हमें तो पता है ह्यूमन्स में स्पर्म है, तो ऐसे बाकी में भी तो स्पर्म्स हैं, डॉग्स में, जेब्रा में, एंड जिराफ में, मंकीज में, तो बाकी सब में भी है, ठीक है। तो स्पर्म जो है मैमल्स का वो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, तो द साइंटिस्ट इज लिवेन हॉक एंड हैम। कब की बात है, ये बात है 1670 के बाद की, ठीक है। अभी कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं, उसे हम देखेंगे, उसके बाद ये लेक्चर आपका कंप्लीट होगा। सुनो अभी आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी तक आप लोगों ने इसे नोट कर लिया हो जो मैंने अभी तक पढ़ाया, और या फिर आपने एसएस ले लिया होगा, एसएस मतलब स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है वॉलेट, ये बात है 1745 की, ठीक है। क्या हुआ, डिस्कवर एग्स ऑफ इंसेक्ट्स, इन्होंने क्या किया, कुछ इंसेक्ट्स के एग्स को डिस्कवर किया, ठीक है।
एंड दैट वर डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली। क्या समझ में आया? जो बॉनेट है उन्होंने इंसेक्ट्स से, सारे इंसेक्ट्स से नहीं, कुछ इंसेक्ट्स के एक्स को डिस्कवर किया, ठीक है। अब डिस्कवर जब किया तो उन्होंने ये बताया कि ये जो एक्स हैं, एग को जो मैंने खोजा है, वो पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? हमने एक टर्म पढ़ा है, आपको पता होगा, आपने पहले भी पढ़ा है, वो टर्म क्या है? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, इस पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या है? सबको पता है, मैं वो और बता देना चाहता हूँ कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एक एम्ब्रियो बन जाए, इसे हम कहते हैं ना पार्थेनोजेनेसिस, बिना निषेचन के ही भ्रूण का बनना, क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस। तो यही प्रोसेस यहाँ पे हो रही है पार्थेनोजेनेसिस की। तो उसके जरिए क्या बना? एक्स जो थे एम्ब्रियो कन्वर्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अगले साइंटिस्ट आते हैं पेंडर, बात है 1817 की। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बताया जो हमने देखा चिक्स में, चिकन्स में थ्री लेयर्स पाए जाते हैं, एम्नियन, कॉरियन, और थर्ड क्या है वो आप बताएंगे, ठीक है। तो जो थ्री लेयर्स, जर्मिनल लेयर्स पाए जाते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर जिसे कहते हैं ना, जर्मिनल एम्ब्रियोनिक लेयर्स, वो डेवलप होते हैं कैसे? इन वेरियस पार्ट ऑफ चिक्स एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का जो, अच्छा चिक्स है, चिक्स में जो एम्ब्रियो पार्ट्स है उनमें क्या होता है? तीन तरह के जर्मिनल लेयर पाए जाते हैं। ये किसने बताया? ये बताया पेंडर ने। इतना क्लियर हो, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास वॉनबर, 1827 की बात है, इन्वेस्टिगेटेड एक्स ऑफ मेमल्स। तो मेमल्स के अंदर जो एक्स पाया जाता है, हमें जो एक्स पाए जाते हैं, तो वो जो एक्स है वो किनमें किनमें मिलता है, या बोल सकते हैं कि उन्होंने एक एनिमल्स का नाम बताया, रेफरेंस दिया कि इस एनिमल्स में पाया जाता है, तो ये मेमल्स हैं, तो मेमल्स का और एग्जाम्पल्स बाद में पता चले। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वॉन बियरी वो साइंटिस्ट है जिन्होंने मेमल्स में जो एक्स पाया जाता है उसके बारे में बताया। तो गाइस यहाँ तक तो हमारा ये आज का लेक्चर समाप्त होता है, क्लियर होता है। आज हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्टार्ट की है एमएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, और यहाँ पे हमने बात किया है बिल्कुल हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है क्या, यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हिस्ट्री है उसमें इसका जो इंट्रोडक्शन है वो पार्ट को हमने डिस्क्राइब किया है। अभी आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, हम इसका हिस्ट्री देखेंगे, क्या देखेंगे, हम हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे कि किस कैसे हिस्ट्री आते हैं। पहले ऐसे बात किया तो प्री फॉर्मेशन की हिस्ट्री हमारे पास थ्योरी है, प्री फॉर्मेशन, तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी क्या कहती है, ऐसा करके सारे आपके पास हिस्ट्री है इसके, हैं उसका फिर डेवलपमेंट है, तो वो सारा हमें देखना है नेक्स्ट, तो अगली वीडियोस, ठीक है। तो आई होप अभी तक आपको इतना समझ में आया हो, और अदर भी सब्जेक्ट्स हमें कवर करने हैं लाइक इम्यूनोलॉजी हमारे पास और रिप्रोडक्शन बायोलॉजी है। तो अभी जो भी टॉपिक आपको ना बने, जिसमें मुश्किल आ रही होगी आप, या फिर जिसका नोट्स नहीं मिल रहा होगा, आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, अगर मेरे पास होगा अवेलेबल तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। सो नाउ आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आते हैं सबसे पहले आपको उसके बारे में पता चल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।